आज के वीडियो में हम अपनी स्वयं सहायता समूह की दीदियों को FLCRP के विषय में जानकारी देंगे। यदि आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। पर समूह की दीदियों को कैसे मिलेगी ये FLCRP की नौकरी, की FLCRP की क्या कार्य हैं, क्या कार्य करना होगा और कितना मानदेय मिलेगा, हम आप सबको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम आप सबको FLCRP के बारे में बताते हैं। FLCRP का पूर्ण रूप क्या होता है? F से होता है फाइनेंशियल, L से होता है लिटरेसी। फाइनेंशियल का मतलब होता है वित्तीय, लिटरेसी का मतलब होता है साक्षरता। FLCRP को कहते हैं वित्तीय साक्षरता। FLCRP की नियुक्ति कौन करता है? FLCRP की नियुक्ति ब्लॉक से की जाती है। इसमें आवेदन केवल समूह की ही दीदियां कर सकती हैं। इसका आवेदन केवल ऑफलाइन ही ब्लॉक पर किया जाता है। आवेदनकर्ता की योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। उनकी उम्र जो है 18 से 40 वर्ष की होनी चाहिए। नंबर दो है आवेदनकर्ता जो है रजिस्टर का लेखांकन करने में सक्षम हो, अंकगणित का अच्छा ज्ञान हो। नंबर तीन है अपने समूह से लेन देन कर रही हो। नंबर चार है घर से बाहर आने जाने के लिए सहमत हो। नंबर पाँच मोबाइल चलाने का अच्छा ज्ञान हो। नंबर छः है समूह पंचसूत्र का पालन, उनका समूह पंचसूत्र का पालन करता हो। जिस समूह से दीदी आवेदन कर रही हैं उनका समूह पंचसूत्र का पालन करता हो। जो FLCRP के फॉर्म भरे जाते हैं उनका एक लिखित एवं मौखिक परीक्षा होता है समूह से संबंधित। उसमें समूह से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जब वे परीक्षा पास कर लेती हैं तो उनका प्रशिक्षण जिले पर करवाया जाता है। यह आवासीय प्रशिक्षण होता है, रहना खाना फ्री रहता है। प्रशिक्षण 6 दिवसीय का होता है। प्रशिक्षण समाप्ति के दिन सबको FLCRP का प्रमाण पत्र एवं टूल किट भी दिया जाता है। उसी टूल किट के माध्यम से ही FLCRP प्रत्येक समूह एवं ग्राम संगठन में जाकर प्रशिक्षण देती हैं। FLCRP को महीने में 10 दिन का काम मिलता है। 10 दिन में 3 ग्राम संगठन को प्रशिक्षण देना होता है। प्रत्येक भीओ में जाकर FLCRP सभी दीदियों को वित्तीय साक्षरता की जानकारी देती हैं। वित्तीय साक्षरता जिससे लेन देन, जिसे बहुत सी दीदी रहती हैं समूह से लेन देन करती हैं, जैसे समूह में 1,10,000 CIF का पैसा आ जाता है तो बहुत सी दीदी 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 तक ले लेती हैं और वो टाइम से जमा नहीं करती हैं। तो जितना उनका, अगर वो टाइम से नहीं जमा करती हैं तो जितना वो मूलधन ली हैं उससे ज़्यादा तो उनका ब्याज ही हो जाता है। तो दीदी ने ज़्यादा भार ऊपर उठा लिया है तो जमा कैसे कर पाएंगी, इत्यादि की जानकारी देती हैं। इसी को कहते हैं वित्तीय साक्षरता, ताकि वो अपने समूह से लेन देन करें, जो भी पैसा लें, कोई रोजगार करें, उससे 2 पैसे की आमदनी हो और समूह में वापसी उनकी अच्छी हो। उसी पैसे से वो समूह का कर्जा भी वापस कर दें, इत्यादि की जानकारी देती हैं। जैसे जीवन ज्योति बीमा, जीवन दुर्घटना बीमा, सुमंगला योजना, सुकन्या योजना, अटल पेंशन, VOCIF ऋण वापसी। जैसे प्रत्येक समूह होते हैं CIF की वापसी नहीं करते हैं तो FLCRP प्रत्येक ग्राम संगठन में जाती हैं। प्रत्येक ग्राम संगठन में जितने समूह जुड़े रहते हैं सभी समूहों के सदस्यों को इकट्ठा करके प्रशिक्षण देती हैं और उन सबको बताती हैं जो CIF का पैसा है दीदी उसको टाइम से लाके ग्राम संगठन में जमा कर दीजिए और अपने समूह का लेन देन अच्छा रखिए, अपने समूह का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड अच्छे से रखिए, समूह अच्छे से चलाइए, तभी आपका समूह ये ग्रेड का माना जाएगा, तभी आपके समूह को जो है सरकार की सारी योजनाएं आगे चलकर मिलेंगी। और उसके बाद जो समूह रहते हैं CCL तो करवा लेते हैं और CCL के खाते में पैसा नहीं जमा करते हैं। जब CCL के खाते में पैसा नहीं जमा करते हैं तो बैंक वाले जो है समूह की बचत खाते से पैसा काट लेते हैं। तो इत्यादि की जानकारी देती हैं कि दीदी जो दीदी CCL से पैसा ले रही हैं उस पैसे को टाइम
टाइम से ले जाके सीसीएल खाते में प्रतिमाह जमा करिए, चाहे 2 ही हज़ार जमा करिए, 1500 ही जमा करिए, लेकिन सीसीएल का करवाने का मतलब ये होता है दीदी, यदि आप सीसीएल करवाई हैं तो सीसीएल के खाते में जो है मंथली 2000-1500 रुपया जमा करना अनिवार्य है, इत्यादि की जानकारी दीदी टूल किट के माध्यम से देती हैं और बैनर के माध्यम से देती हैं। उसमें दर्शाया गया है कि एक दीदी समूह से ज़्यादा कर्ज ले ली हैं और उस कर्ज में दबती चली जा रही हैं, और उसमें ये भी दिखाया जाता है कि एक दीदी हिसाब से कर्ज ली हैं, अपने सर पर भार उठाई हैं और भार को लेके आराम से चल रही हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरी दीदी ज़्यादा भार उठा ली हैं यानी ज़्यादा कर्ज ले ली हैं, लेकर बैठ गई हैं, चल भी नहीं पा रही हैं। यही सब जानकारियाँ जो है FLCRP को जो है प्रत्येक ग्राम संगठन में जाकर देना होता है, टूल किट के माध्यम से भी बताती हैं, समझाती हैं FLCRP। अब दीदी आइए बताते हैं FLCRP को कितना मानदेय मिलता है। तो दीदी FLCRP का एक दिन का जो है 275 रुपया मानदेय मिलता है, और यात्रा भत्ता किलोमीटर दूरी के हिसाब से जो है दिया जाता है। यह जानकारी दीदी यदि आप सबको अच्छी लगी है तो दीदी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, धन्यवाद।